पम्प भी काम कर रहा है, इसका सेल्फ भी काम कर रहा है। और लेकिन जब भी गाड़ी स्टार्ट कर रहा हो, देखिए भैया गाड़ी हम लोगों का स्टार्ट है, लेकिन थोड़ा जैसे छोटा दे रहा थोड़ा मिसिंग प्रॉब्लम कर रहा है। और देखिए ये चेक इंजन लाइट, ये जो चेक इंजन लाइट है यहाँ पे जला हुआ है। तो आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, इस बाइक में कैसे सर्विसिंग करना पड़ता है, ठीक है। वीडियो के जरिए से आपको दिखाने वाला दोस्तों V311, ठीक है। अगर इसको आप बाई करने का चाहना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा बढ़िया चीज़ है दोस्तों, फोर व्हीलर में आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे फॉलो कीजिए दोस्तों, ऐसे करके इंजेक्टर को क्लीन करते हैं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूँ कमाल उद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाल ऑटोमोबाइल। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों। देख पा रहे हैं मेरे पास रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक मेरे पास आया है, और ये बाइक काफ़ी दिन से मतलब 4 महीने 6 महीने तक गाड़ी पड़ा हुआ था। इस बाइक का हम लोग अभी सर्विसिंग करने वाला है, फुल सर्विसिंग, कैसे कैसे सर्विसिंग करते हैं वीडियो का जैसे आपको दिखाएंगे। और दोस्तों इस बाइक में थोड़ा मिसिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। फिर से गाड़ी स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन थोड़ा मिसिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। और हम लोगों का यहाँ पे हमेशा के लिए चेक इंजन लाइट यहाँ पे जला हुआ है, ठीक है। गाड़ी को हम लोग ऑन कर रहा है, इसका फ्यूल पम्प काम कर रहा है, ठीक है। इसका फ्यूल पम्प भी काम कर रहा है, इसका सेल्फ भी काम कर रहा है। और लेकिन जब भी गाड़ी स्टार्ट कर रहा हो, देखिए भैया गाड़ी हम लोगों का स्टार्ट है लेकिन थोड़ा जैसे छोड़ा देगा थोड़ा मिसिंग प्रॉब्लम कर रहा है। और देखिए ये चेक इंजन लाइट, ये जो चेक इंजन लाइट है यहाँ पे जला हुआ है। तो आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, इस बाइक में कैसे सर्विसिंग करना पड़ता है, ठीक है। वीडियो के जरिए से आपको दिखाने वाला दोस्तों। और कभी भी दोस्तों अगर लॉन्ग टाइम के लिए मतलब 5 महीने 6 महीने के लिए आप गाड़ी घर में खड़ा कर देते हैं तो इसलिए एक बात जरूर याद रखना दोस्तों, इसका जो चेन है ना दोस्तों, इसका चेन को थोड़ा लुब्रिकेंट करके रख दीजिएगा, क्योंकि ओपन चेन है दोस्तों, ये खराब होने का बहुत चांसेस रहता है। इसको थोड़ा जो चेन लूक होता है या गियर ऑयल होता है इसको थोड़ा अंदर में आप दे दीजिए, फिर आप गाड़ी खड़ा कीजिए, ठीक है। और टैंकी के अंदर में मैक्सिमम आधा टैंकी फ्यूल रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा गाड़ी में हम देखें थोड़ा कम तेल भरने से क्या होता है, इसका जो टैंकी में जो मोटर है मोटर खराब होने का बहुत चांस रहता है, बहुत बाइक को ख़राब भी हो गया दोस्तों। तो टैंकी को हमेशा के लिए थोड़ा 4 लीटर 5 लीटर का फ्यूल आप रखने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों। हम लोग इस बाइक का हम लोग फुल पेड सर्विसिंग करने वाला है दोस्तों। अच्छा सर, ठीक है, पहले से हम लोग खोल कर रख दिया इस बाइक में, काफ़ी दिन से घर में पड़ा हुआ था, एक दोस्त मेरे पास लेकर आया है, जब मेरा वीडियो देख के गाड़ी आया है, ठीक है। जो कमल भाई थोड़ा गाड़ी को मेरा बहुत दिन से खड़ा हुआ है घर में, ठीक से स्टार्ट भी ठीक से नहीं हो रहा, इसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, हम लोग बैटरी नया इसमें चार्ज करके इसमें लगा है, फिर गाड़ी हम लोग स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन थोड़ा मिसिंग का बहुत समस्या हो रहा है। तो आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, इसका जो टोटल बॉडी है इंजेक्टर है सब इस बाइक का हम लोग पूरा क्लीन करेंगे, ठीक है दोस्तों। कैसे करेंगे वीडियो का जरिए सबको दिखाने वाला दोस्तों, तो वीडियो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप भी देख सकते हो इसका एयर फिल्टर हम लोग ओपन करने वाला है, सीट को हम लोग पहले से ओपन कर दिया, ठीक है। और इसका थोड़ा बैटरी भी थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था, हम लोग चार्ज में बैठा कर इसको गाड़ी को हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है। और इसका जो छोटा वाला जो हब चेंज वाला जो होता है ये वाला हम लोग ओपन कर दिया, क्योंकि यह तो बहुत ज़्यादा कचरा जम जाता है, ठीक है। वीडियो बना रही है, फिर इसका टैंकी हम लोग ओपन करेंगे, इसका टोटल बॉडी इंजेक्टर भी हम लोग क्लीन करेंगे। आइए दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से आपको दिखाएंगे कैसे टोटल को कैसे ओपन करता है, टोटल को कैसे क्लीन करता है, तो वीडियो को जल्दी से आपको दिखाने वाला दोस्तों, ठीक है। यार इसका एयर फिल्टर देखिए, एयर फिल्टर इसका फर्स्ट क्लास है दोस्तों, थोड़ा वॉशिंग करके हम लोग इसको ऐड करेंगे, मतलब अच्छा से इसको एयर का मदद से इसको थोड़ा वॉशिंग मतलब एयर मारेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। और ये देख सकते हैं इसका जो हाफ पेंट वाला है हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। नॉट बोल्ट कभी कहाँ से ढूल ना हो जाए, थोड़ा एग्जाम मेरा से अभी ये बाइक बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छे से इसको ये कचरा क्या यहाँ पे जम के ना इस पॉकेट को खराब डैमेज कर देता है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे क्लीन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो बना रही है दोस्तों, पहले सब ओपन कर लेते हैं, टैंक ओपन करो,
को ओपन करने के लिए हम लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर का दोनों नाट है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। और यहाँ पे साइड में देख सकते हैं फ्यूल पंप का जो मोटर है, यहाँ पे अंदर फ्यूल पंप का जो जैक वगैरह है, हम लोग उसको ऐसे ऐसे करके ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग टोटल को ओपन करेंगे। ठीक है, इसका अंदर दे दिया दोस्तों टोटल का सही। ठीक है, टोटल का सही बैक एंगल चल जाए सब उसके अंदर में दे दिया दोस्तों। आई होप आपको समझ में पा रहा है दोस्तों। हम यहाँ पे हम लोगों का टोटल हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो यहाँ पे जो बड़ा लंबा का जो नाट है वो हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो बना रही है तो सो गाइस अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोग इंजेक्टर हम लोग ओपन कर लिए। तो देख सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे तो वायरिंग लगा रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सावधानी से चलना, घूम ना हो जाए। और देखिए 8 नंबर का जो है तो नाट रहता है यहाँ पे। ठीक है, 8 नंबर का फोन अभी क्या करेंगे। ठीक है, इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो एलईडी का नाट है वो करेंगे, एलईडी को लेकर लाइट को। तो गाइस अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोगों का टोटल ओपन किया है। और देख सकते हैं ये टोटल में कितना कचरा आ गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए इनको हम लोग काम दिखा रहे हैं, देखिए काफ़ी कचरा इसके अंदर में। ठीक है, और इस सील को भी हम लोग अच्छे से क्लीन करेंगे। और इंजेक्टर देखिए, ये देखिए इंजेक्टर को हम लोग क्लीन करेंगे। ठीक है, इसको कैसे क्लीन करते हैं वीडियो का जैसे आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये WD-40 है हम लोगों का, तो वीडियो बना रहेगा दोस्तों। तो गाइस अभी देख सकते हैं हम लोगों का इंजेक्टर अभी क्लीन हो रहा है। एक बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव लिया, और यहाँ से हम लोग टोटल क्लियर लिया। देखिए यहाँ पे फॉलो कीजिए दोस्तों। तो गाइस अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोगों का टोटल दिया। और टोटल जब भी खोलना दोस्तों, पहले ये जो LP है इंजेक्टर का हम लोगों का, इसको पहले ओपन करना पड़ेगा। जो अलग जुना रहता है उसको ओपन करने से ये अलग से निकल जाएगा, और यहाँ से हम लोगों का टोटल अलग से निकल जाएगा। और इश्यू देखिए, देख सकते हैं इश्यू हम लोगों का बैक एंगल सेंसर सब इसमें ऐड है दोस्तों, इस बाइक में। ठीक है, इसका जो जैक है यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको आराम से निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सो गाइस अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब अभी और भी कुछ काम बाकी है। मतलब इसका टोटल को तो हम लोग क्लीन कर दिया, इंजेक्टर को भी क्लीन कर दिया, और
और इसका जो वायरिंग का जो जितना भी प्रॉब्लम था हम लोग सॉर्ट आउट कर दिए, ठीक है। और ये इसका अभी थोड़ा वॉशिंग का बाद हम लोग इसका थोड़ा चेन में एक तो हल्का सा एक तो लुब्रिकेंट करेंगे दोस्तों, चेन लुक जो होता है हल्का सा लुब्रिकेंट कर देंगे, ठीक है, चेन लुक से, ठीक है। ये देखिए कितना कचरा है यहाँ पे, वाटर फिर भी मारेंगे हम लोग, वाटर का स्प्रे मारेंगे सब निकल जाएगा, और भी बहुत देखिए कितना कचरा निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसिंग में यहाँ पे बहुत ज़रूरी है दोस्तों वॉशिंग करना यहाँ पे, क्योंकि इसका अंदर डस्ट पार्टिकल जाने से कारण क्या होता है, हम लोगों का जो स्पॉकेट है ख़राब हो जाता है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सर्विसिंग करके आपसे मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो गाइस अभी इसका जो गियर पेडल है हम लोगों का भी थोड़ा वॉशिंग करके इसका गियर पेडल को तो भी थोड़ा यहाँ पे लुब्रिकेंट कर देंगे ग्रीस से, और गियर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो सो गाइस अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोगों का गाड़ी कंप्लीट हो चुका है, एकदम अच्छा से हम लोग वॉशिंग इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और देखिए इसका जो चेन है, चेन को भी हम लोग अच्छा से लुब्रिकेंट कर दिया, ठीक है, जो चेन लुक होता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जो हम लोगों का गियर पेडल है, गियर पेडल में थोड़ा यहाँ पे ग्रीस करना पड़ता है दोस्तों, तब गियर का परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है दोस्तों। तो फाइनली हम लोगों का गाड़ी स्टार्ट करेंगे अभी, देख सकते हैं, ठीक है, गाड़ी को हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एक बार दो तीन बार इसका की को हम लोग ऑन ऑफ कर लेंगे, ठीक है, और एक बार बस अभी बाइक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोगों का बाइक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो चेक इंजन लाइट है, स्टार्ट करने से दो तीन बार चाबी हम लोगों को ऑन ऑफ करने से हम लोगों का चेक इंजन लाइट चला गया, मतलब अभी जो है इसका ये जो DLDC कपलर आप देख रहे हैं, DLDC कपलर है, हम लोगों का स्कैनर है, डिजिटल स्कैनर, इसको कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, इसका टोटल में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। अब अच्छा से हम लोग टोटल और इंजेक्टर को क्लीन कर दिया, हम लोगों का ऑटोमेटिक ये चेक इंजन लाइट चला गया दोस्तों, ठीक है। ये V311, ठीक है, अगर इसको आप बाई करना का चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आप बाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बहुत अच्छा बढ़िया चीज़ है दोस्तों, फोर व्हीलर में आप ये यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों का गाड़ी कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं सर्विसिंग आपने क्या देखा दोस्तों, इस बाइक का कैसे सर्विसिंग करना पड़ता है, टोटल बॉडी इंजेक्टर कैसे क्लीन करना पड़ता है, टोटल बॉडी को कैसे क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। इसका जो वायरिंग के और भी थोड़ा फॉल्ट है, और इसका चेक इंजन लाइट जला हुआ था, ठीक है। तो टोटल जो सर्विसिंग करना पड़ता है, इसका चेन लुक करना पड़ता है, ठीक से। और लॉन्ग टाइम के लिए अगर बाइक आप छोड़ दे रहा है दो तीन महीने चार महीने के लिए, तो उसको चेन को ज़रूर आप थोड़ा लुब्रिकेंट करके रखिए, और टैंकी में फ्यूल रहना चाहिए दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना, अभी तक मेरा चैनल में नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन बाइक के साथ आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए, आप इंतजार कीजिए दोस्तों। जय हिंद।